मैं एक T20 सीरीज चालू कर रहा हूँ। T20 सीरीज का मतलब है कि टेक्निकल 20 क्वेश्चन। टी का मतलब टेक्निकल है और 20 क्वेश्चन रहेंगी। मैं हर 2 दिन में ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप भी इस T20 का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक यू। और हम आज की T20 सीरीज स्टार्ट करते हैं, आप भी हमारे इन T20 सीरीज का फ़ायदा लीजिए। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, मिक्स्ड पेयर वी ब्लॉक को किस प्रकार दर्शाते हैं। जो हमारा मिक्स्ड पेयर वी ब्लॉक होता है, जैसे हमारे जो वी ब्लॉक आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वी ब्लॉक जो होता है ये सिलेंड्रिकल रॉड को सहारा देता है। इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल रॉड होती है तो उसमें हम वी ब्लॉक को पकड़ते हैं। लेकिन इसमें जो वी ब्लॉक है, ये वी ब्लॉक तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मिक्स्ड पेयर लिखा हुआ है। मिक्स्ड पेयर वी ब्लॉक को किस प्रकार दर्शाते हैं? तो मिक्स्ड पेयर जो होता है, आप पेयर से समझिए, जो पेयर होता है ये पेयर, पेयर का मतलब होता है 2, और मैच मतलब एक से, यानी कि 2 वी ब्लॉक रहेंगे और भी एक से रहेंगे, एक से रहेंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे कोई जब लंबी रॉड होती है तो हम 2 वी ब्लॉक लगा देते हैं। जिस तरीके से मैं ये फिगर थोड़ा सा बना के आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए 2 वी ब्लॉक है तो कोई रॉड इस तरीके से दोनों वी ब्लॉक पर इस तरीके से रेस्ट कर जाएगी, तो रेस्ट करेगी तो बीच से झुकाव नहीं लेगी। तो इसको हम किस तरीके से दर्शाया जाता है, यानी जब हम कोई वी ब्लॉक खरीदने जाएंगे, मिक्स्ड पेयर वी ब्लॉक, तो इसको किस प्रकार से हम बोलेंगे? इसको हम 2 करके बोलेंगे, तो फर्स्ट आंसर गलत है। इसको हम एम लिखेंगे तो दोस्त इसका राइट आंसर सेकेंड आंसर होगा। इसमें एम लिखा जाता है, जैसे कोई वी ब्लॉक हम खरीदने जाएंगे तो इसको एम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक लिख के बता देता हूँ, M100/5-40A V ब्लॉक। ये मैंने पूरा ये स्पेसिफिकेशन लिख दिया है, आप इसको समझ लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। जैसे एम जो है आगे लिखा है, ये मेस्ट पेयर है, 100 mm इसकी लंबाई है, 5 से 40 mm तक की व्यासों को ये ग्रिप कर सकता है, इसका साइज है, और ये जो है इसका ग्रेड है, ये उच्च क्वालिटी की स्टील के बना होता है, ये ग्रेड वाला, और बी ग्रेड वाला जो कास्टान का बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एम हो जाएगा। इसका थर्ड आंसर में दोहरा गलत लिखा है, और इसमें जो है ग्रेड लिखा हुआ है कि हम इसको 2 डंडों द्वारा 2 ग्रेड से दर्शाते हैं, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉगिंग ऑफ फाइल के दोष को कैसे दूर करते हैं? फाइल में एक दोष होता है क्लॉगिंग ऑफ फाइल। आप लोगों ने सबने फाइल में लोडिंग सुना होगा, तो लोडिंग के दोष को ही हम क्लॉगिंग ऑफ फाइल कहते हैं, कि फाइल के जो दांते होते हैं उन दांतों के बीच में सॉफ्ट मटेरियल के कण फंस जाते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल के कण जब फंस जाते हैं तो उनको हमें हटाना पड़ता है, अन्यथा फाइल सही फाइलिंग नहीं करती है। तो हम कैसे हटाते हैं? एसिड से धोकर करते हैं हम, तो दोस्त एसिड से नहीं धोया जाता है, ये ख़राब हो सकता है फाइल हमारा। पानी से धोकर, ये भी गलत है, धूप में सुखा कर, ये भी गलत है, वायर ब्रश से साफ करके। जो हमारा वायर ब्रश होता है तो उसमें जो फाइल इस तरीके से रहती है, इस प्रकार से दांते उस पर होते हैं, तो हम फाइल को, जो वायर ब्रश होता है, उस वायर ब्रश से दांतों को ऐसे ऐसे साफ कर देते हैं, जिस तरीके से हमारे दांतों के बीच में जो स्लॉट होते हैं उनमें जब हम खाना खाते हैं तो भर जाता है, तो उसको हम ब्रश से साफ करते हैं। तो उसी प्रकार से फाइल में भी लोडिंग हो जाती है, फाइल भी लोहे के कणों को अपने दांतों के बीच में फंसा लेती है, सॉफ्ट मटेरियल को फंसा लेती है, तो उसको हम वायर ब्रश से साफ करते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान करेंगे। कास्ट आयरन की चिपिंग वर्क पीस के दोनों किनारों से शुरू करके बीच में समाप्त क्यों की जाती है? कोई भी कास्ट आयरन होता है तो कास्ट आयरन से जब हम चिपिंग करते हैं, दोनों तरफ से स्लॉट बनाते हैं, तो उसकी चिपिंग जो है एक तरफ से डायरेक्ट सीधी दूसरी तरफ तक नहीं की जाती, उससे एक वजह हो जाता है। मैं थोड़ा सा एक चित्र बना के आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, हम कास्ट आयरन की चिपिंग इधर से करते जा रहे हैं इस तरफ से, तो हम इधर से स्लॉट काटते जाएंगे करते जाएंगे, अगर हम एक ही तरफ से पूरा काटते जाएंगे तो लास्ट में जाके इधर से एक पीस निकल जाएगा, पीस निकलने से हमारा जॉब खराब हो जाएगा। इसलिए पीस क्यों निकला है, पीस इसलिए निकला है क्योंकि ये हमारा जो कास्ट आयरन होता है वो भंगुर मटेरियल होता है, तो इसलिए हम आधा स्लॉट इस तरफ से करेंगे और आधा स्लॉट इस तरफ से करेंगे, वो दोनों को बीच में एंड करेंगे, तो बीच में थोड़ा लोहे की या कास्ट आयरन की जो स्ट्रेंथ रहेगी थोड़ा मजबूत रहेगी, अर्थात पीस नहीं निकलेगा बीच से। इसलिए कास्ट आयरन की चिपिंग दोनों जॉब के दोनों किनारे से सेंटर पॉइंट पर ले जाते हैं, तो इससे हमारा जॉब टूटता नहीं है। अब इसमें देखिए ऑप्शन में दिखा देता हूँ, पहला लिखा सॉफ्ट मेटल होता है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है क्योंकि कास्ट आयरन तो हार्ड होता है। चीजल की सही कटाई हो, तो देखो चीजल की जो सही कटाई तो होगी, लेकिन उससे बेटर आंसर ये लिखा है कि भंगुर मेटल और किनारे से टूट सकते हैं, तो इसका जो है थर्ड आंसर सेकंड वाले से बेटर आंसर होगा, क्योंकि कास्ट आयरन में जो है कटाई तो हम कई तरीके से अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कास्ट आयरन की में कटाई कर रहे हैं तो इसमें जो बेटर आंसर होगा वो कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी के हिसाब से बेटर होगा, कि ये ब्रिटल होता है और इसके किनारे टूट सकते हैं, इसलिए दोनों किनारों से हम जो है चिपिंग कार्य किया करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, थर्ड आंसर।
अल्टीमेट लोड वर्किंग लोड का कितना गुना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अल्टीमेट लोड को बताएंगे आपको और फिर वर्किंग लोड को बताएंगे। अल्टीमेट लोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई ब्रिज बनाया है, ये ब्रिज बनाया है, इस ब्रिज के ऊपर ट्रक जा रहे हैं, तो ट्रक जा रहे हैं तो यदि इस पर हम बहुत भारी भरकम ट्रक ले जाएँ, यानी कि जो हमारा ये पुल है उसको सहन ना कर पाए और टूट जाए, तो जितने लोड पर कोई मेटल, कोई पुल, कोई बीम, कोई भी टूल अगर टूट जाता है तो उस लोड को बोलते हैं अल्टीमेट लोड। वर्किंग लोड किसे कहते हैं, वर्किंग लोड उसे कहते हैं जिस पर कोई भी हमारा जो मेटल है या टूल है या पुल है या ब्रिज है, जिस लोड पर वो कार्य करता है उसे हम वर्किंग लोड कहते हैं। तो अल्टीमेट लोड टूटने का लोड, वर्किंग लोड कार्य करने का लोड। अब आप एक बात और समझ रहे होंगे कि जो अल्टीमेट लोड होगा वो अधिक होगा, अल्टीमेट लोड इज ग्रेटर देन वर्किंग लोड। क्यों होगा अधिक, क्योंकि अल्टीमेट लोड पर टूटती है, तो जो हमारा अल्टीमेट लोड होता है वो वर्किंग लोड का 6 गुना होता है, यानी कि हम जिस लोड पर कार्य कर रहे हैं उसमें अगर 6 गुना हम वृद्धि कर दें तो हमारा अल्टीमेट लोड मिल जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए ये पुल बना हुआ है, इसमें 100 टन का ट्रक इस पर चला जाता है और हमारा जो है ब्रिज टूटता नहीं है, तो हमें इस ब्रिज को तोड़ना है यदि, तो इस पर हमें 600 टन, अगर हम 600 टन का ट्रक इसके ऊपर से ले जाएंगे तो ये हमारा पुल जो है टूट जाएगा, क्योंकि ये 6 गुना बहुत अधिक हो जाएगा। तो अल्टीमेट लोड वर्किंग लोड का कितना गुना होता है, 6 गुना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन मैं और नेक्स्ट बताता हूँ। ये देखो, एक होता है सेफ्टी फैक्टर, ये सेफ्टी फैक्टर एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आप सेफ्टी फैक्टर, वर्किंग लोड, अल्टीमेट लोड ये बहुत ही सही तरीके से समझिए। अभी हम दो समझ चुके हैं, अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड। अब हमें सेफ्टी फैक्टर निकालना है, यानी हम सेफ्टी में काम कैसे कर सकते हैं, यानी इसका फैक्टर वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो होता है अल्टीमेट लोड व्हाट ए वर्किंग लोड, यानी जो टूटने वाला लोड होता है वो हम ऊपर रखेंगे और वर्किंग लोड हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो इसमें देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है अल्टीमेट लोड बटे वर्किंग लोड, फर्स्ट नंबर का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए आप अल्टीमेट लोड बटे वर्किंग लोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न धातु में भौतिक गुण पहचान, यानी निम्न विकल्प में से धातु का हमें भौतिक प्रॉपर्टी पहचानना है। अब सबसे पहले हमें भौतिक प्रॉपर्टी समझना होगा कि ये भौतिक प्रॉपर्टी क्या होता है। भौतिक प्रॉपर्टी वो होता है जो किसी धातु में स्थायी रूप से पाया जाता है, उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। जो निश्चित रूप से हमें प्रकृति से मिलता है उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। जैसे रंग, किसी धातु में रंग हमेशा मिलता है इसीलिए रंग भौतिक गुण है। चालकता, कंडक्टिविटी भी मिलती है, ये भी भौतिक गुण है। फ्यूजिबिलिटी भी मिलती है, यानी कोई भी धातु को गलने की प्रॉपर्टी हम अलग से नहीं डालते हैं, धातु में जो गलने की प्रॉपर्टी होती है वो अपने आप रहती है, जब उसको आप गर्म करोगे तो गल जाएगी, ठंडा करोगे तो जम जाएगी, ये प्रॉपर्टी हमें प्रकृति से मिलती है, इसलिए इसका आंसर होगा 4th आंसर, सभी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपर का गलनांक क्या होता है। कॉपर जो होता है हमारा, यानी जो जिसे हम शुद्ध भाषा में अगर कहते हैं तो इसे हम कहते हैं तांबा, कई लोग इसको तांबा कहते हैं, कई लोग इसको कॉपर कहते हैं। तो कॉपर का गलनांक 1083 डिग्री सी होता है। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में इसका आंसर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें 1083 एक जगह लिखा हुआ है लेकिन 1083 एफ लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, 5th आंसर इसका। इसमें कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो कभी ऐसा आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, 5th आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, पावर सा किस स्ट्रोक में कटिंग करता है। हमारा जो पावर सा होता है जिसमें जो है मोटे क्रॉस सेक्शन या मोटी धातु को काटा जाता है उसे हम पावर सा कहते हैं। तो पावर सा में जो हमारा कटिंग एक्शन होता है वो रिवर्स स्ट्रोक में होता है, क्योंकि उसमें इस तरह के दांते होते हैं, वो जो पीछे की तरफ कटिंग करता है इस तरीके से, ये रिवर्स स्ट्रोक में कटिंग करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में फिर ही जाता है। तो देख लीजिए इसमें कहीं दिया हुआ है, तो 2nd आंसर में रिवर्स स्ट्रोक दिया गया है और पावर सा होता है। नेक्स्ट, पावर सॉ की ब्लेड पर 25 mm पर 4 दांते हैं तो पिच क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, पावर सा जो हमारा ब्लेड होता है उसमें 25 mm यानी इंच होता है, तो इसमें 4 से 14 TPI तक के ब्लेड यूज होते हैं पावर सा में। लेकिन हम 4 का पिच निकालेंगे तो अलग आएगा, 14 का पिच निकालेंगे तो अलग आएगा, 10 दांते का पिच निकालेंगे तो अलग आएगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हम पिच किस तरीके से निकालते हैं, हमें पिच की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, जैसे कोई नया ब्लेड अगर आ जाए जिस तरीके से NCL एग्जाम में आया था।
तो पिच निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये 25 mm में हमें जितने दांते होंगे उसका भाग दे देना है। जैसे इस क्वेश्चन में 4 दांते हैं तो हमने 4 का भाग दे दिया, तो इसमें हम जब भाग देंगे तो लगभग 6 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा 6 mm पिच होगा जिस प्रकार से हमारा क्वेश्चन दिया है। यदि हम दांतों की संख्या को और बढ़ा देंगे तो हम जो जैसे मान लिया हमने 4 दांते की जगह 10 दांते कर दिए, तो हम 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारा पिच कम आ जाएगा, कम एमएम में आ जाएगा। अब 25 में हम क्यों भाग दे रहे हैं इसकी वजह मैं बता रहा हूँ। 1 इंच में 25 mm होते हैं और जो हमारा टीपीआई होता है वो इंच का होता है, इसलिए हम दांतों की संख्या का 25 mm में डिवाइड करके निकालते हैं। जो हमारी नॉर्मल ब्लड होती है उसमें 14, 18, 24, 32 टीपीआई होता है, तो हम उसके भी पिच निकाल सकते हैं 25 में भाग दे करके। आप कोई भी ब्लड हो, कोई भी हेक्सा ब्लड हो, आप टीपीआई निकाल सकते हो, दांत और पिच भी निकाल सकते हो। आपको जो निकालना हो आपको 25 mm में उसका डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, किस सौ में एंडलेस ब्लड नहीं होता है। सबसे पहले हमें सौ देखना पड़ेंगे, सौ किस तरीके से होते हैं। एंडलेस ब्लड, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एंडलेस क्या होता है। ऐसा ब्लड जिसका छोर ना हो उसे हम एंडलेस कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग से समझिए, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत 100% हो जाएगा। यदि आप समझ लोगे तो गलत नहीं होगा। एंडलेस मतलब जिसका छोर नहीं होता है, और इधर भी देखिए नहीं लिखा हुआ है, यानी कि जिसका छोर ना हो, जिसका छोर ना हो वो नहीं यूज होना चाहिए, नहीं लिखा है। बिना छोर वाला ब्लेड यूज नहीं होना चाहिए, अन्यथा इस क्वेश्चन में छोर वाला ब्लेड होना चाहिए। अगर इसमें नहीं लिखा है यानी कि जिसका छोर नहीं है और वही ब्लेड को हमें यूज नहीं करना है, तो ये डबल इसमें नहीं आ रहा है तो यस हो जाएगा फिर इसमें क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें सबसे पहले पावर सा बताते हैं, पावर सा का ब्लड किस तरीके का होता है। पावर सा का ब्लड इस तरीके का होता है, ये दोनों होल रहते हैं और इस तरीके का ब्लड होता है। तो ये तो इसमें एंड है, यानी ये एंडलेस ब्लड नहीं है, समझ गए होंगे। फ्लेक्जिबल पावर सा में ब्लड ऐसे गोल ब्लड रहता है, इसमें दांते इसकी पूरी पूरी परदी पर ऐसे ऐसे रहती हैं, तो ये एंडलेस है। पावर सा, फ्लेक्जिबल सा, सर्कुलर सा का गोल ब्लड होता है इस तरीके से, इसकी परदी पर ऐसे ऐसे दांते होते हैं, ये भी एंडलेस नहीं है। इसके बाद देखिए कंट्यूर सा का ब्लड भी इस तरीके से ही रहता है गोल में, ठीक है। तो ये 3 ब्लड जो मैंने बनाए हैं नीचे, फ्लेक्जिबल सा, सर्कुलर सा और कंट्यूर सा, इसका ब्लड एंडलेस है, यानी इसमें एंड जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात इसका छोर छोर जो है नहीं है, अर्थात इनका ब्लड तीनों का, नीचे वालों का तीनों का ब्लड एंडलेस है, और पहले का ब्लड एंडलेस नहीं है क्योंकि इसके 2 छोर हैं, एक छोर ये है एक छोर ये है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट आंसर राइट आंसर होगा पावर सा, एंडलेस ब्लड नहीं है पावर सा में। किस में एंडलेस ब्लड है, फ्लेक्जिबल सा, सर्कुलर सा, कंट्यूर सा। तो इसमें जब नहीं आ जाता है तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन बताने के लिए शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आप अपनी सच्चाई को समझिए, ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको ज्ञान अर्जित होगा और आप आगे सफल हो पाओगे, जरूर सफल होगे। तो हम 11th क्वेश्चन करते हैं, पावर सा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा जो अभी अभी हमने एक ब्लेड बनाया था इस तरीके का, मैं एक बार और बना के आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का ब्लेड होता है, दो होल होते हैं और दोनों तरह इसको इस तरीके से इसके रिवर्स स्ट्रोक में दांते रहते हैं। तो जो हमारा ये होता है, ये ब्लेड आगे पीछे ऐसे चलता है, और इस आगे पीछे चलने को हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैक एंड पिनियन, बर्म, क्रैंकशाफ्ट। तो हमारा ये इसका 3rd आंसर राइट आंसर होगा। वैसे ये रेसिप्रोकेटिंग के तीनों लिखे हुए हैं, रैक एंड पिनियन, बर्म एंड बर्नविल और क्रैंकशाफ्ट, लेकिन ज़्यादातर हम पावर सा में क्रैंकशाफ्ट का उपयोग करते हैं, तो इसका 3rd आंसर ही बेटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्प धातु काटने के लिए हेक्सा या पावर सा ब्लेड पर दांतों की संख्या क्या होनी चाहिए। जब हमें किसी सर्प धातु को काटना है तो हमारा जो हेक्सा या पावर सा रहता है तो उसमें दांतों की जो संख्या होती है वो कम होती है। जैसे हम कह दें कि 4 TPI, तो 4 TPI का जो पावर सा होता है सॉफ्ट मटेरियल को काटता है, 14 TPI का जो पावर सा होता है वो हार्ड मटेरियल का काटता है। तो दांतों की संख्या सॉफ्ट मटेरियल की क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार ब्लेड किस सौ में होता है। तो अभी अभी मैंने बताया था और आप इस चाहो तो इन शब्दों से भी समझ सकते हो। इसमें एक शब्द 3rd नंबर पे लिखा हुआ है सर्कुलर, और सर्कुलर का मतलब होता है ऐसे वृत्ताकार। तो इसमें इस तरीके का ब्लड होता है, इसका काम भी एक समझ लीजिए। ये जो सर्कुलर सा होता है इससे मोटे क्रॉस सेक्शन के मटेरियल को काटा जाता है। ये जो है बहुत ही काफ़ी लगभग 2800 से 2500 RPM पर चलती है, सर्कुलर सा इसे कहते हैं। किस सौ द्वारा प्रोफाइल कटाई की जाती है। जब हमें किसी प्रोफाइल को काटना होता है तो सबसे पहले हमें प्रोफाइल समझना पड़ेगा। प्रोफाइल का मतलब होता है कोई जॉब है ऐसे हमें इस तरीके से इसको कोई भी रूपरेखा टाइप की बनाना है तो इसे हम प्रोफाइल कटिंग कहते हैं। इसमें जो ब्लेड होता है वो कम चौड़ा एवं पतला होता है, इसे हम प्रोफाइल कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो देख लीजिए इसमें कहीं प्रोफाइल कटिंग के लिए इसमें जो है ऑप्शन नहीं लिख पाया हूँ, तो इसमें 5th आंसर जो है
कंट्यूर सा, उसको बोलते हैं हम कंट्यूर सा, कंट्यूर मैंने लिख दिया है, तो इसका फिफ्थ आंसर राइट आंसर होगा। प्रोफाइल कटिंग के लिए हम कंट्यूर सा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइक्रोमीटर के बारे में सही कथन है, हमें माइक्रोमीटर के बारे में सही कथन बताना है कि माइक्रोमीटर की खोज अमेरिका में हुई थी, तो सही आंसर है सन 1848 में हुई थी, ये भी सही बात है, जीन पाल्मर द्वारा की गई थी, ये भी सही बात है, इसलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, सभी इसका आंसर राइट आंसर सभी आंसर हो जाएगा। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट का सूत्र है, किसी भी माइक्रोमीटर की हमें लिस्ट काउंट का सूत्र अभी तक किसी किताब में मिल जाता है, किसी किताबों में नहीं मिलता है, तो उसकी मैं एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, उससे आप हमेशा निकाल सकते हो, कभी सूत्र बदल के भी लिख देगी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है वो आपको याद रखना पड़ेगी 0.01 mm होती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कौन सा सूत्र सही है, फर्स्ट नंबर थ्रेड का पिच, तो थ्रेड का जो पिच होता है वो होता है 0.5, और थिम्बल के खानों की संख्या होती है 50, पहले ऑप्शन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले ऑप्शन को, तो इसमें देखिए आप 50 का हम 0.5 में भाग देंगे तो इसका आंसर 0.01 mm 100% आएगा, डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर फर्स्ट आंसर होगा। इसी तरीके से जो मैंने वैल्यू रखी है हम दूसरे ऑप्शन में रखेंगे तो 0.0 नहीं आएगा, तीसरे ऑप्शन में रखेंगे तो 0.01 नहीं आएगा, और लास्ट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए फर्स्ट आंसर का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, माइक्रोमीटर का क्या प्रोसेस होता है, कैसे कार्य करता है, तो मैं बताता हूँ, नट के सिद्धांत पर गलत है, बोल्ट के सिद्धांत पर गलत है, स्क्रू अर्थात चूड़ी के सिद्धांत, चूड़ी के सिद्धांत पर कार्य कर सकता है क्योंकि चूड़ी में लीड और पिच होता है, तो हम चाहे तो लीड और पिच का सिद्धांत भी कह सकते हैं, नट एंड बोल्ट का सिद्धांत भी कह सकते हैं, नट एंड बोल्ट दोनों आंसर ये भी सही है, और आप चाहो तो एक वर्ड में चूड़ी का सिद्धांत भी कह सकते हो, तो इसमें नट बोल्ट है नहीं, लीड स्क्रू लीड पिच है नहीं, चूड़ी है, इसलिए हम चूड़ी का सिद्धांत राइट आंसर लगाएंगे। मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है, तो देखो माइक्रोमीटर जो होता है वो सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म के लिए दो माइक्रोमीटर आते हैं, एक आता है नॉर्मल माइक्रोमीटर जो क्वेश्चन में दिया है, एक आता है बर्नियर माइक्रोमीटर, बर्नियर माइक्रोमीटर है नहीं, तो नॉर्मल माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 mm होती है। मैं ये सारे क्वेश्चन पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए या तो हमारे चैनल पर जाएं या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का फायदा उठा सकते हैं जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 से 50 माइक्रोमीटर, तो जो जीरो रीडिंग होती है उसको हमें बताना है, माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग, तो हर माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग होती है, तो सबसे पहले हमें जीरो रीडिंग समझना पड़ेगी क्या होती है। कुछ लोग इसका आंसर जीरो लगा देंगे, तो ये जीरो आंसर गलत है। अब सबसे पहले गलत कैसे है वो मैं बताता हूँ, जीरो रीडिंग का मतलब जीरो से नहीं होता है, जीरो रीडिंग का मतलब होता है जो किसी माइक्रोमीटर की पहली रीडिंग होती है, जैसे मान लो जीरो से 25 वाला माइक्रोमीटर है तो इसकी पहली रीडिंग जीरो होगी तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, लेकिन 25 से 50 वाला जो माइक्रोमीटर होगी उसकी जीरो रीडिंग 25 होगी तो ये 25 होगा। अब मान लीजिए हमने इसमें लिख दिया 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर, तो इसकी जो जीरो जीरो वाला काम होगा वो 50 होगा, तो इसकी जीरो रीडिंग कितनी हो जाएगी 50। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 25 से 50 वाले माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या होगी, तो 25 mm होगी क्योंकि इसका सबसे पहला जो काम करेगा वो 25 में करेगा, तो जीरो रीडिंग 25 mm हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, थिम्बल का जीरो सिलीव की डेटम लाइन से ऊपर चला जाए तो कौन सी त्रुटि होगी, इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप थिम्बल का जीरो सिलीव की डेटम लाइन से ऊपर में समझ जाओगे तो नीचे में भी समझ जाओगे। तो मैं पहले सबसे पहले आपके लिए एक बनाता हूँ सिलीव, ये मैंने सिलीव बना दी और ये मैंने बना दिया थिम्बल, ये सिलीव पर ऐसे डेटम लाइन रहती है। अब जो थिम्बल का जीरो है वो इधर पहुँच गया है, अब होना कहाँ चाहिए था, इसके सामने होना चाहिए था, इसके डेटम लाइन ये डेटम लाइन के सामने जीरो होना चाहिए था, लेकिन जब मैंने थिम्बल को टाइट किया तो ये जीरो ऊपर चला गया। अब आप समझिए ध्यान से, जितना थिम्बल का जीरो ऊपर जाएगा उतनी रीडिंग हमारी छोटी होती चली जाएगी, हम माइनस में चले जाएंगे, समझ गए होगे आप कि थिम्बल का जीरो जितना ऊपर जा रहा है आगे जा रहा है, ऊपर को आगे भी बोला जाता है, जितना जीरो ऊपर जा रहा है जितना आगे जा रहा है उतना ही रीडिंग हमारी माइनस में जाएगी, माइनस में जाएगी, तो इसे हम नेगेटिव त्रुटि कहते हैं। तो इसका पहले राइट आंसर लगाइए बी आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं, जितना थिम्बल का जीरो इस स्लीव की डेटम लाइन के पीछे या नीचे रहेगा उतनी रीडिंग हमारी बढ़ती है, तो उसे हम पॉजिटिव त्रुटि कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी नेगेटिव त्रुटि आंसर हुआ। अब हम इस कमी को सही कैसे करते हैं, इस नेगेटिव त्रुटि को, कमी को हमें पूरा करना है, तो भाई कमी को कैसे पूरा करते हैं, जब कोई कमी होती है उसमें कुछ हम भरते हैं, यानी उसमें कुछ ऐड करते हैं जो हमारी कमी है, तो उस नेगेटिव त्रुटि की कमी को दूर करने के लिए हम एडिशन करते हैं, तो इसको जोड़कर सही किया जाता है। ये मैंने अलग से क्वेश्चन आपको बता दिया है कि कभी भी कोई भी नेगेटिव त्रुटि हो तो उसको हम जोड़कर सही करते हैं। यदि दोस्त आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी माइक्रोमीटर में रीडिंग जो है 20 mm आ रही है और उसमें 0.01 की नेगेटिव एरर है, तो उसकी सही रीडिंग बताएं,
तो आपने यदि हमारा वीडियो अच्छे से देखा तो आप हमें कमेंट्स करके इसका आंसर ज़रूर दीजिए और हमारे पूरे वीडियो देखिए, सफल हो जाइए और अपने माता पिता का नाम कीजिए। ओके।